हे गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉब्लम के कारण आप अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कमेंट करके जरूर बताना, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना। जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सेटिंग पर जाना। जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग पर जाते हो, सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा हेल्प वाला, हेल्प वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आ जाना। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर हेल्प सेंटर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आना। इसके बाद आपको यहाँ पर लोड होगा, एक दो सेकंड यहाँ पर वेट करना। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर उस ऊपर साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्या करना, क्लिक करना। जैसे आप यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन मिलेगा, मैनेज योर अकाउंट वाला, इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डिलीट योर अकाउंट वाला, तो आपको यहाँ पर फाइव नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, तो उस पर क्या करना, क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टेम्परेरी डीएक्टिवेट और यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट वाला और एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना। जैसे ही जाते हो आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन है, अगर आपका मोबाइल आईफोन है, मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना, अगर लैपटॉप से करना चाहते हो तो लैपटॉप सेलेक्ट कर लेना। तो हम ऐसे मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल ब्राउजर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐसे डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। आप तो आपको यहाँ पर क्या करना है, छोटे से एरो पे यहाँ पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रीजन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर देना, कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जैसे कुछ भी सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा रिसेंट योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डिलीट, और आपको यहाँ पर जो यूजर नेम होगा वो भी यहाँ पर दिया होगा। इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ही ओके करोगे तो आपको यहाँ पर जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाता है। अभी यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, अगर आप यहाँ से 5 नवंबर तक यहाँ पर लॉगिन नहीं करोगे आईडी, तो अपने आप यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपनी आईडी को यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। तो हमें जैसे अपनी आईडी को यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।